का भजन करते करते बिल्व मंगल जी महाराज मार्ग में जा रहे थे और एकाएक एक घटना और घटी उनके जीवन में। मार्ग में जा रहे हैं और आगे एक रूपवती नारी जा रही है। उस नारी को देखते ही उनके मन में फिर से अपने पूर्व प्रारब्ध जागृत हुए और उस स्त्री के रूप को देख के इतने आसक्त होने लगे कि वो उसके पीछे पीछे ही चलने लगे। और पीछे पीछे चलते 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 बिल्व मंगल जी महाराज उस स्त्री के घर तक पहुंच गए। ध्यान से सुनना, अगर आपको डर लगता हो कि इन आंखों से अपराध बन सकता है, जिन आंखों के कारण हमारे जीवन का पतन हो सकता है, तो इन आंखों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। कैसे? अब हम सूरदास तो है नहीं कि आंखों को फोड़ लें। इन आंखों को ठाकुर जी के दर्शन के इतने आदि बना दो, इतना आदि बना दो, इतना आदि बना दो इन आंखों को कि सर्वत्र इन आंखों को केवल ठाकुर जी के दर्शनों की लालसा ही रहे, बस इतना आदि बना दो। लेकिन अभी इतना भजन सिद्ध नहीं हो पाया था और वो उस स्त्री के पीछे करते पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए और बाहर बैठ गए चबूतरे पे। मलिन मुख है बिल्कुल बिल्व मंगल जी का आज, क्यों? पिछले संस्कार जागृत हो गए ना फिर। और उस घर का स्वामी बाहर निकला और उसने बाहर बैठे हुए इस मलिन मुख वाले ब्राह्मण को देखा और कहा कि भैया कौन हो, क्या कारण है, किस कारण से तुम यहां बैठे हो? लेकिन आज बिल्व मंगल जी ने असत्य नहीं बोला, जो मन में था वो ही बोल दिया। और बिल्व मंगल जी ने कहा, अभी अभी जो नारी घर के अंदर गई है, बस मैं उसे एक नजर देखना चाहता हूँ, जी भर के देखना चाहता हूँ। अब वो स्त्री उसकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखना चाहता है कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी स्त्री को आवाज लगाई और जितनी देर में वो स्त्री को अंदर बुलाने गए, आवाज लगाने गए, इतनी देर में ही जिसको ठाकुर जी अपनाना चाहे प्रपंच से बचाते हैं प्यारे, उतनी देर में ही बिल्व मंगल जी महाराज के ज्ञान चक्षु जागृत हो गए। उन्होंने कहा मैं फिर से उसी अंधकूप की ओर जा रहा हूं जिस अंधकूप से मुझे चिंतामणि नामक वैश्य ने बचाया। आज मैं फिर उसी रूप में आसक्त होके फिर उस अंधे कुएं में गिरने के लिए तैयार हूँ। ज्ञान के चक्षु खुल गए, ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि ये जो मैं इस रूप के प्रति आसक्त हुआ हूँ ये मिथ्या है, मेरा मन तो केवल हरि चरणों में समर्पित होना चाहिए। और इतना तीव्र वैराग्य जगा, इतने व्याकुल हुए कि उस स्थान से उठे और सामने एक बेरी का पेड़ था उस पे से दो कांटे तोड़े और उन कांटों को लेके अपनी आंखों में भोंक दिया, अपनी आंखों को कांटों से बींध दिया। कि नेत्रों के कारण ही मेरे जीवन में बार बार पतन होता है, ना ये आंखें ही रहेंगी और ना मेरे जीवन का पतन होगा। मैं जब भी गिरा हूं इन नेत्रों की वजह से गिरा हूं, इसलिए मेरा निवेदन है अगर आपको लगता है कि नेत्रों से दृष्टि दोष होता है, अगर आपको लगता है भजन करने बैठो और मन में कुछ और बात आए, तो इस मन को इतना मार लो कि कोई और बात आए ही ना। रसना को स्वाद आए जिस चीज का, इस रसना को उतनी उस वस्तु को खिला दो कि रसना जीभ भी उब जाए। अगर इस जीव को रसमलाई में रबड़ी में आनंद आता है, तो इस रसना को, इस जीव को इतनी रबड़ी मिलाई खिला दो प्यारे, इतनी रसमलाई खिला दो कि एक दिन ये जीव ही कहने लगे कि अब मुझे रबड़ी नहीं खानी। अगर नेत्रों से दृष्टि दोष होता है, जिन नेत्रों से सरकार का दर्शन, उसी नेत्रों से संसार के प्रति काम वासना जग जाती है, तो इन नेत्रों को हर पल श्री ठाकुर जी के समक्ष रखा करो। हर पल इस नेत्र को इतना आदि बना लो ठाकुर जी के दर्शनों का, इतना आदि बना लो कि फिर उसके बाद संसार नहीं बल्कि संसार के कण कण में आपको प्रिया प्रीतम नजर आने लगे। बिल्व मंगल जी के मन में विचार आया कि नेत्रों की वजह से ही मेरा जीवन का पतन हो रहा है। सामने बेरी बेल का वृक्ष था और वहां से एक टहनी तोड़ी, दो
कांटे निकाले और उन कांटों को हाथ में लेके अपने नेत्रों में भोग लिए, कांटे आंखों में चुभा लिए। आज बिल्व मंगल जी सूरदास हो गए, नेत्र विहीन हो गए। मन में बड़ा आनंद है, मन में बड़ा उत्साह है कि जिसके कारण मेरा जीवन बार बार पतन की ओर जाता था, आज मैंने उस मार्ग को ही बंद कर दिया। अब ना दृष्टि ही रही, ना संसार ही दिखेगा। अब दृष्टि ही नहीं रही तो संसार क्या दिखेगा। अब किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, किसी के रूप को देख के आसक्त नहीं होऊंगा। कांटे चुभा लिए आंखों में, दृष्टि चली गई, आंखों से रक्त बह रहा है, रुधिर बह रहा है और हृदय में वेदना है। हे गोविंद, अब तो संभालो, आखिर मुझ जैसे पातकी जीव का उद्धार कब होगा, कब होगा, कब होगा। मैं बड़ा कमजोर हूँ, मैं बड़ा निर्बल हूँ, मैं संभल नहीं पाऊंगा अपने आप। हे गोविंद, अब तो मेरी बाँह पकड़ो। हे गोविंद, अब तो मेरी बाँह पकड़ो। हे गोविंद, अब तो मेरी बाँह पकड़ो। नेत्रों से रक्त बह रहा है, चलते जा रहे हैं। आज पता नहीं है कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, किस दिशा की ओर जाना है। मार्ग में कहीं गिरते हैं, कहीं पहाड़ से टकराते हैं, कहीं वृक्ष से टकराते हैं, कहीं गिर जाते हैं, फिर संभलते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं। कभी कहीं गिरते हैं, कभी कहीं गिरते हैं, कभी कहीं गिरते हैं। हे गोविंद, अब तो संभालो। हे गोविंद, अब तो संभालो। हे गोविंद, अब तो संभालो। और प्रेमियों, वो करुणा निधान, वो भक्त वत्सल, वो करुणा वरुणालय आखिर कब तक अपनी आंख पर पट्टी बांध के रह सकते थे? वो श्री कृष्ण कब तक ऐसे पातकी जीव पर, जीव की तरफ से आंख बंद करके रह सकते थे? आज श्री ठाकुर जी का हृदय भी विवल हो गया, विवल हो गया। ठाकुर जी भी का भी हृदय आज रो पड़ा ऐसी स्थिति देख के। लेकिन वहां तो यही भाव चल रहा है, मेरे जर्जर है पाव संभालो हरी, मेरे जर्जर है पाव संभालो हरी। आंखों से खून बह रहा है, रो रहे हैं, कहीं गिरते हैं, कहीं टकराते हैं, लेकिन आज किसी के प्रति कोई भाव नहीं, आज किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं। आज तो केवल एक ही भाव है, मेरे जर्जर है पांव संभालो हरी, हरी अब तो संभालो, अब तो संभालो, अब तो संभालो। और प्यारे, हमारी भी तो यही स्थिति है। ये मन कहीं भी अटक जाता है, ये मन कहीं भी अटक जाता है। हम लोग भी, हमारी भी तो यही स्थिति है। देखो, सरकार ने मानव को हर वस्तु दो दी है, दो नेत्र दिए हैं, दो कान दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, लेकिन हृदय ही एक क्यों दिया? हृदय एक क्यों दिया? दो नेत्र इसलिए दिए कि संसार को भी देख, संसार को भी देख के चल, प्रदर्शन भी करता रही। दो हाथ इसलिए हैं, एक हाथ से संसार की सेवा भी करता रही, कोई बुराई नहीं। दो पैर इसलिए हैं कि एक चरण से संसार की ओर भी बढ़ी और कभी कभी मेरे धाम की ओर भी, लेकिन हृदय एक दिया। श्री ठाकुर जी ने ये सब संसार के लिए बनाए थे, हृदय केवल अपने लिए बनाया था। तो दो आंखों से संसार को खूब सुनना, इन दो कानों से संसार की निंदा स्तुति भी सुनना, इन दो हाथों से संसार की सेवा भी करना, इन दो पांवों से संसार की दलदल में भी फंसना, लेकिन ये हृदय मैंने अपने लिए बनाया है, बस इस दिल तक संसार को मत पहुंचने देना, इस दिल में तू केवल मुझे ही बैठा के रखना, मुझे ही बैठा के रखना। लेकिन प्यारे, संसार सबसे पहले इस हृदय पे ही अधिकार जमाता है, इस हृदय पे ही अधिकार जमाता है। गोविंद कब तक चुप रहते? और आज बिल्व मंगल जी रोते जा रहे हैं, सरकार संभालो, हे करुणा निधान संभालो। मैं अब भी, भले ही मैंने अपनी आंखों को फोड़ लिया है, लेकिन अब भी मैं डरता हूं, जाने मेरे कौन से कर्म उदय हो जाएं, मैं फिर किसी पतन की ओर ना चला जाऊं, जाने मेरे कौन से पाप उदय हो जाएं। उससे पूर्व सरकार मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो।
और बिल्व मंगल जी के हृदय का शायद यही भाव रहा होगा, किसी रसिक ने बहुत सुंदर प्रार्थना की और हमारे और आपके जीवन की भी यही प्रार्थना है। एक बार दोनों भुजा उठा लो और अपने आप को बिल्कुल समर्पित करके सरकार से कह दो भाव से, पुकारो जरा हमारे साथ। मेरे जर जर है पांव संभालो हरी, 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 मेरे जर जर है पांव संभालो हरी। अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरी, 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 मेरे जर जर है पांव संभालो हरी, मेरे जर जर है पांव संभालो हरी, मेरे जर जर है पांव। रोते जा रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं, कहीं गिरते हैं कहीं टकराते हैं, की गलियों में भटका हुआ माया, ममता की गलियों में भटका हुआ माया, ममता की गलियों में भटका पुकारो भैया माया, ममता की गलियों में भटका हुआ। मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, अटका हुआ मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। आ? डाला विषयों ने दाव, डाला विषयों ने दाव निकालो हरी, डाला विषयों ने दाव निकालो हरी, मेरे जर जर है पांव संभालो हरी, मेरे जर जर है पांव संभालो हरी, अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरी, अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरी, मेरे जर जर है पांव। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृपा निधान की जय हो। गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियों की लहरें दीवानी।
चप्पू और नाव पतवार पुरानी हुई टूटे चप्पू और नाव पुरानी हुई टूटे चप्पू और नाव पुरानी हुई टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई टूटे चप्पू अब ये डूबेगी ना ओ, अब ये डूबेगी नाव बचा लो हरी 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 अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरी अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरी मेरे जर जर है पा ना किसी ने सुझाया मुझे कोई अदना किसी ने सुझाया मुझे कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे फिर भी देखो कहाँ ले आया मुझे श्याम सुंदर ओ तुमसे मिलने की चाह तुमसे मिलने की चाह मिला लो हरी 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 अश्रु बह रहे हैं नेत्रों से रक्त बह रहा है गिर रहे हैं किसी वृक्ष से टकरा जाते हैं कहीं किसी दीवार से टकरा जाते हैं कहीं किसी पत्थर की ठोकर लग जाती है गिर जाते हैं लेकिन फिर भी अब एक ही चाह बची है बस क्या चाह है तुमसे मिलने की चाह मिला लो हरी और प्रेमियों श्री ठाकुर जी भी इतने कठोर नहीं हैं कि इतनी करुण पुकार सुन के वो चुप रह जाते या अनसुनी कर देते आज ठाकुर जी ने कृपा की जैसे ही ठोकर लगी बिल्व मंगल जी गिरे और बस यही भाव मानो उनके हृदय में चल रहा हो कि तुमसे मिलने की चाह मिला लो हरी उसी समय एक छोटा सा बालक वहाँ उपस्थित हो जाता है हाथ में मिठाई है जल की झारी है और बिल्व मंगल जी से बोलते हैं बाबा अरे तू गिर गया है ऐसा लगता है काफी दिन से ऐसे ही चलता फिरता आ रहा है तेरे शरीर को देख के लगता नहीं तूने बहुत दिन से भोजन किया है बाबा थोड़ी मिठाई लाया हूँ थोड़ी मिठाई ले ले थोड़ा जल पी ले और उस बालक की इस मधुर वाणी में बिल्व मंगल जी इतने मुग्ध हो गए इतने आकर्षित हो गए कि उनको अपना होश ही नहीं रहा बस वो बालक मीठी मीठी बात करता रहा
और बिल्व मंगल जी मौन होके सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और फिर बाबा से, फिर बिल्व मंगल जी से उस बालक ने कहा, बाबा अब बातें ही सुनते रहोगे कुछ पाओगे भी, और थोड़ी सी मिठाई बिल्व मंगल जी को पवाई है और अपने हाथ से जल पिलाया है। और सोचो जिनको श्री ठाकुर जी अपने निज कर कमल से भोग आर पवा रहे हो, जल पिवा रहे हो, फिर वो भक्त होश में रह सकता है क्या? फिर उसे अपनी स्थिति का भान रह सकता है क्या, जिसे स्वयं श्री ठाकुर जी अपने हाथों से पवा रहे हो? और एकाएक बिल्व मंगल जी ने पूछा कि बेटा एक बात तो बता, तू है कौन, यहाँ कहाँ से आया, कहाँ रहता है? का बाबा मैं यहीं रहता हूँ। तेरा नाम क्या है? अरे मेरा कोई खास नाम नहीं है, जिसका जो मनाए मुझे उसी नाम से बुला लेता है, मैं आ जाता हूँ। मैं तो इसी जंगल में गाय चराता रहता हूँ। बाबा तू चिंता मत कर, अगर तू इसी जंगल में रहता है ना तो तेरे लिए मैं रोज भोजन की व्यवस्था कर दिया करूँगा। मेरी मैया रोज देती है, उसमें से थोड़ा सा तेरे लिए भी ले आया करूँगा, तेरे लिए भी ले आया करूँगा। अब तो ये रोज का काम बन गया, रोज का काम बन गया। वो छोटा सा बालक आता बाबा के लिए, बिल्व मंगल जी के लिए भोजन ले आता, जल ले आता। एक दिन बिल्व मंगल जी के मन में भाव आया कि पहले चिंतामणि का मोह मुझे हुआ तो मेरी ये स्थिति हुई, उसके बाद एक रूपवती नारी का मोह मुझे हुआ तो मैंने अपनी आंखों को फोड़ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं अब इस वो मोह इस बालक में हो जाए, जिसका मोह होना चाहिए उसकी जगह इस बालक में मेरा मोह पड़ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं। और बिल्व मंगल जी सावधान हो जाते और वो कहते हैं, सरकार मुझे तो आपसे मिलने की चाह है, अब किसी और की चाह रही नहीं, अब किसी और की चाह रही नहीं, तुमसे मिलने की चाह मिला लो हरी। और बिल्व मंगल जी ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हो तुमसे मिलने की चाह, ओ तुमसे मिलने का चाव, मिला लो हरी मेरे जर जर है पाव, संभालो हरी मेरे जर जर है पाव, संभालो हरी मेरे जर जर है पाव। प्रेम से बोलिए शिरार है, शिरार है। भाव से ताली सेवा करते पुकारो, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, 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 तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, और तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। बिल्व मंगल जी महाराज मानो यही कह रहे हैं कि मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। और मन में ये भाव आया, सरकार अब किसी और में मोह मेरा नहीं जाना चाहिए, ये बालक रोज मेरे लिए भोजन लेके आता है, मेरा मोह थोड़ा थोड़ा इसमें पड़ रहा है, आप कृपा करके इस मोह से मुझे बचाएं। और ये भाव रखे कि कहीं इस बालक में मेरा मोह पड़ जाए तो मैं दोबारा किसी और संकट में ना आ जाऊं, ये सोच के बिल्व मंगल जी आज उस जंगल से उठ गए और कहा कि अब इस स्थान से चल देना चाहिए। उठे हैं, फिर चलने का प्रयास किया और इतनी देर में वो बालक वहां प्रकट हो गया और कहा, बाबा वृंदावन चलोगे?
क्या कहा, बाबा वृंदावन चलोगे? बिल्व मंगल जी ने कहा, अरे तू वृंदावन चलेंगे, तू वृंदावन जा रहा? हाँ बाबा मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तू चलना चाहेगा? बिल्व मंगल जी ने कहा, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो आंखों से दिखता नहीं, मुझे तो आंखों से दिखता नहीं, मैं जाऊंगा कैसे? कहते हैं उस रसिक बालक ने कहा, बाबा ये लाठी पकड़ ले और मैं तुझे लाठी पकड़ा के वृंदावन तक पहुंचाऊंगा। कन्हैया ने आगे से लाठी पकड़ ली, पीछे से बिल्व मंगल जी उस लाठी का सहारा लेके कन्हैया के पीछे पीछे जा रहे। और मैंने कहा ना, वृंदावन जब भी कोई आया है केवल श्यामा श्याम की कृपा ही उसे वृंदावन लेके आई है, अपने आप कोई नहीं आया प्यारे आज तक, कोई नहीं आया। ना कोई गाड़ी से आ सकता है, ना कोई वाहन से आ सकता है, ना कोई साधन से आ सकता है, ना कोई साधना से पहुंच सकता है। वृंदावन तो जब भी पहुंचा गया है तब तब प्रिया प्रीतम की कृपा से ही पहुंचा गया है। आज ठाकुर जी ने मन की बात जान ली, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, और वो रसिक बालक सामने प्रकट हो गया। आगे लाठी उस बालक ने पकड़ रखी है और पीछे बिल्व मंगल जी ने पकड़ रखी है। आज भक्त को भगवान स्वयं श्री वृंदावन धाम लेके आ रहे हैं। ओ मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, ओ तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा। और जो अब कहने जा रहे हैं, जो अब तक ना बोले हो कथा विराम की ओर है, जो अब तक ना बोले हो वो जरूर कह देना। क्यों? जिस प्रकार बिल्व मंगल जी महाराज को श्री ठाकुर जी वृंदावन लेके आए हैं, ऐसे ही ठाकुर जी एक दिन हमें भी लेके आए, और ऐसे लेके आए कि ठाकुर जी वृंदावन हमें ऐसे पहुंचा दें कि फिर वहां आने के बाद हमारे वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। प्यारे कोई हमें जाने नहीं, कोई हमें पहचाने नहीं, अरे भाई तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम्हारा तो वृंदावन में मन लगता है, वृंदावन में जाके पढ़ो बस, ये सुनने को मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए हमारा। इसलिए आप भी एक बार कह दो दोनों भुजा उठा के ठाकुर से, हाँ मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, 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 तन को यमुना का शीतल किनारा 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 मिले, हमको वृंदावन धाम बुला लो हरी, हमको वृंदावन अरे पुकारो बुला लो हरी, सबको वृंदावन धाम बुला लो हरी, सबको वृंदावन धाम बुला लो हरी।
अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरि, 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 मेरे जर जर है पांव संभालो 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 हरि, डाला विषयों ने दाब निकालो हरि, डाला विषयों ने दाब निकालो हरि, मेरे जीवन पर मेरे विषय विकार दाव खेल जाएं सरकार, उससे पहले आप अपने प्रेम का दाव मुझ पर लगा दो, ताकि हम संभल पाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, इसलिए पुकार लो दोनों हाथ उठा के। ओ डाला विषयों ने दाव निकालो हरि, 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 मुझे वृंदावन धाम बुला लो हरि, मुझे वृंदावन धाम बुला लो हरि, भला भक्त के मन की पुकार हो, भक्त के मन की वेदना हो कि वृंदावन बुला लो हरि, और ठाकुर वृंदावन ना बुलाए ऐसा हो नहीं सकता है। आज वो रसिक बालक बिल्व मंगल जी को लाठी के सहारे वृंदावन तक ले आए, और वृंदावन लाने के बाद बिल्व मंगल जी से उस बालक ने कहा, बाबा वृंदावन आ गया, अब मैं जाऊं, बाबा अब मैं जाऊं, और इतना रास्ता तय करने के बाद बिल्व मंगल जी को विश्वास हो गया था कि जो रोज जंगल में ले मेरे लिए भोजन लेके आता था, जो रोज जंगल में आके मेरी चिंता करता था, जो लाठी के सहारे मुझे वृंदावन लेके आया है, वो कोई और नहीं, वो साक्षात मेरा बांके बिहारी ही मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हैं, वो साक्षात मेरे बिहारी जी मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हैं। और जैसे ही उस बालक स्वरूप ठाकुर ने पूछा, बाबा तेरा वृंदावन आ गया, अब मैं जाऊं, तुरंत बिल्व मंगल जी ने लाठी को छोड़ा और आज उस बालक का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, और श्री ठाकुर जी के कर कमल का स्पर्श करते ही तो विश्वास हो गया कि ये कोई और नहीं है, जिसकी चाह थी वही आज मुझे वृंदावन लेके आया है। और वो बालक हाथ छुड़ाता है, बार बार हाथ छुड़ाता है, वो बिल्व मंगल जी हाथ छोड़ते नहीं, लेकिन ठाकुर के बल के आगे किसका बल चला है। ठाकुर जी ने बलपूर्वक अपना हाथ छुड़ा लिया तो बिल्व मंगल जी के मुख से एक ही बात निकली, प्यारे हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, मुझे दिखता नहीं है, मुझ में इतना बल नहीं है, तो आप अपने बल का प्रयोग करके मुझे छोड़ के चले जाओगे। अरे आप मुझे ऐसे छोड़ के जा सकते हो, लेकिन इसमें आपकी बल की कोई महानता नहीं है, इसमें आपकी बल की कोई महत्वता नहीं है, क्यों? अगर आप इतने ही बलवान हो तो प्यारे आगे की बात सुनो, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, मेरे हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तोय प्यारे। हाथ छुड़ा के जा सकते हो लेकिन मेरे हृदय से निकल के आप नहीं जा सकते, आपको तो मैंने अपने हृदय में बसा रखा है। भक्त का ये भाव सुन के श्री ठाकुर जी के नेत्र भी सजल हो गए, और वो कब तक भक्त के सामने केवल एक माया रूपी लीला को करते रहते, आज बिल्व मंगल जी के सामने वो मुरली मनोहर श्याम सुंदर मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए, और अपना वरद हस्त वो कर कमल बिल्व मंगल जी के नेत्रों पर फहराया, और जैसे ही बिहारी जी के कर कमल ठाकुर जी के कर कमल बिल्व मंगल जी के नेत्रों पर पहुंचे, दिव्य दृष्टि आई आज बिल्व मंगल जी के नेत्रों में, जिन नेत्रों से अब तक केवल संसार दिखता था, आज उन नेत्रों से केवल मेरे श्याम सुंदर दिख रहे हैं, केवल मेरे श्याम सुंदर दिख रहे हैं, केवल मेरे श्याम सुंदर दिख रहे हैं। भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है इस मंगलमय घड़ी में, एक बार दोनों हाथ उठा के जय घोष लगाओ, बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो, बिल्व मंगल जी महाराज की जय हो।
जर जर है पांव संभाल। इस चरित्र को यहाँ विराम दे रहे हैं, बस आप पुकारते रहो, एक ना एक दिन ठाकुर हमें भी आएंगे, हमें भी उनका हाथ मिलेगा और हाथ थाम के हमें वृंदावन तक पहुंचाएंगे। इस विश्वास के साथ बस पुकारते रहना, उठाओ जरा दोनों हाथ और पुकारो, मेरे जर जर है पांव संभालो हरी, 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 मुझे वृंदावन धाम बसा लो 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 हरी, तुझसे मिलने का चाव मिला लो हरी, तुझसे मिलने का चाव मिला लो हरी, तुमसे मिलने का चाव मिला लो हरी, तुमसे मिलने का चाव मिला लो हरी, मेरे जर जर है पांव संभालो हरी, मेरे जर जर है पांव संभालो हरी, ओ मुझे वृंदावन धाम बसालो हरी, 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 मेरे है पांव संभालो हरी, अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरी, जिस प्रकार श्री बिल्व मंगल जी महाराज को श्री ठाकुर जी वृंदावन धाम लेके आए, काश हमारी भी वो विरह वेदना इतनी तीव्र हो जाए सरकार के चरणों में कि एक दिन हमें भी ऐसा लगे कि आज हम खुद चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि श्री ठाकुर जी उंगली पकड़ा के हमें चला रहे हैं और वृंदावन धाम लेके आ रहे हैं, ऐसी वेदना हो जाए, ऐसा प्रसाद मिल जाए संतों की वाणी का। आओ आज इस प्रसंग को यहाँ विराम दें।